हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, मैंने एक ट्रैवलिंग बैग मंगाया अमेज़ॉन से, मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे देखने के लिए मिला, तो मैं आज इसका रिव्यू करूंगा, साथ के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए, जो आप ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रिप अगर आप ट्रैवलिंग करते हो या अगर आपको कुछ सामान डालना है तो अपने अपने बेल्ट के या कोई आप अदर बैग है उसमें आप इसको फिक्स कर सकते हो। ये दोनों कुछ इस तरह ओपन हो जाएंगी, यहाँ से आप इसको डाल सकते हो और उसके बाद ये स्ट्रिप आप बंद कर सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरह ये स्ट्रिप बंद हो जाएगी, इसको आपको हल्का सा प्रेस करना है और ये स्ट्रिप यहाँ पे लॉक हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो ये स्ट्रिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए। और ये देखिए, साथ के साथ इसमें यहाँ पर ये देखिए जो चैन की है, ये कितना अच्छा की है, और ये आप इसमें शायद देखिए कितना बड़ा हो जाएगा ये। तो इसमें आप अपना काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी पॉकेट है। मैं एक एक करके इसका पूरा रिव्यू दूंगा आपको। ये देखिए, इसमें सबसे पहले हमें सामने की तरफ एक फर्स्ट पॉकेट देखने के लिए मिलती है, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक फर्स्ट पॉकेट है, ये मिनी पॉकेट है। आप यहाँ पर अपने कॉइन वगैरह या फिर आप अपने ईयरफोन रख सकते हो यहाँ पर, या कुछ चिल्लर होते हैं तो वो रख सकते हो। यहाँ पर जो ये छोटी पॉकेट दी गई है, इसमें आप पेन वगैरह डाल सकते हो आप। पीछे की तरफ हमें एक पॉकेट देखने के लिए मिलती है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, साइड में भी हमें एक पॉकेट और देखने के मिलती है, तो टोटल इसमें तीन पॉकेट है। अंदर की तरफ हमें कुछ मिनी पॉकेट देखने के लिए मिलती हैं, ये देखिए। ये कुछ इसके साथ ही कमेंट पेपर वगैरह आए गए हैं, तो मैं आपको बैग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये काफ़ी अच्छा कपड़े का बैग है, अंदर वाटरप्रूफ कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको एक एक करके इसके अंदर अपना सामान डाल के दिखाता हूँ। आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो या कहीं अंदर बाहर जा रहे हो, तो आप इसमें अपना काफ़ी सामान इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ कॉइन है, तो मैं ये कॉइन आपको दिखाता हूँ। अगर आपको बार बार अपने पॉकेट में हाथ नहीं डालना, तो आप ये कॉइन यहाँ पर अंदर की तरफ डाल सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पर भी सामने एक छोटी पॉकेट है, लेकिन मैं इसको सामने वाले में डाल सकता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, उसके बाद इसको आप लॉक कर देना। तो ये जो स्ट्रिप है, ये अभी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो स्ट्रिप है, ये भी आप मतलब काफ़ी बड़ा हो इसको छोटा कर सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप इसमें कहीं भी कुछ जा रहे हो, ट्रैवलिंग का शौक रखते हो, अगर आपके पास कैमरा वगैरह है तो आप इसके अंदर आसानी से रख सकते हो। ये मैंने दोनों मोबाइल इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देखिए। दोनों मोबाइल डालने के बाद अच्छी तरह इसकी जो चैन है वो बंद हो रही है, तो मैं आपको एक मोबाइल साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको। अगर आप ट्रैवलिंग जाते हो तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा सामान जाता है, या एक दिन के लिए आप कहीं जा रहे हो तो छोटा सा बैग अपने बेल्ट में आप इसको लगा सकते हो लॉक में। तो ये मिनी पॉकेट जो है, यहाँ पे अपना वॉलेट रख सकते हो, या साइड में भी लगा सकते हो, या कुछ और भी पिन वगैरह वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे आप इसको काफ़ी जो इसकी पेन है, जो की चैन है, काफ़ी अच्छा चैन है इसकी। और ये पूरा कपड़े का बना हुआ है, जो हमारा जो पिट्ठू बैग आता है ना, उसका मिनी वर्जन बैग है ये। तो इससे अच्छा बैग कहीं पे देखने के लिए मिलेगा? हमें यहाँ पे एक पेन पॉकेट भी देखने के लिए मिलती है, आप यहाँ पे अपना पेन लगा सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक पेन लगा देता हूँ, ये देखिए पूरा पेन अच्छे से फिट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये पेन है, इसके अंदर अच्छे से डल गया है। तो अगर आप कोई लेना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी अंदर आप इसके अंदर अपना सामान स्टोर कर सकते हो। तो ये जो अगला ये जो पॉकेट है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये कॉइन आप अंदर की तरफ डाल लेना, क्योंकि इसमें से तो निकल सकते हैं, कई बार हमारा ध्यान हो तो बैग उल्टा हो जाए तो कॉइन निकल जाएंगे। तो आप ये साइड वाली पॉकेट में एक पॉकेट और अंदर की तरफ, इसके अंदर आप अपने कॉइन डाल लेना। और जो ये छोटे वाली जो जेब है, इसके अंदर आप अपने ईयरफोन डाल सकते हो। ये देखिए, आप इसके अंदर ना अपने यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर दो छोटे पॉकेट दी गई हैं, छोटी पॉकेट जो होती हैं,
ये देखिए आप, मेरी MI की ईयरफोन है, तो मैं इसको आगे डाल देता हूँ। ये इसके अंदर से निकलेगी नहीं, और पेन हमारा साइड में डल गया। तो आपको कहीं पे जाना तो आप आसानी से पेन निकाल सकते हो, अपना ईयरफोन निकाल सकते हो, और पूरा कपड़े का बैग है, मजबूत बैग है। इतना आपको बैग इस प्राइस में कहीं पर नहीं देखने के मिलेगा। ये मैंने ओनली 389 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।